आपने कहा कि 2000 में चिप है, मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट आज तक कल लोगों लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे 2000 के नोट पर फिर फंसी आज तक की श्वेता सिंह। श्वेता सिंह का वीडियो फिर हुआ वायरल। पत्रकारिता के छात्र हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि ये गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं। 2000 के नोट पर सवाल किया तो भड़क गई श्वेता सिंह। आपने बोला है, आप झुटला थोड़ा सकते हैं। सवाल से भाग बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम कर रही है, पत्रकार बन रहे क्या अभी, ये बनने वाले हैं। आज तक की जन्मजात मेरिटधारी इंकरानी श्वेता सिंह 2000 के नोट को लेकर फिर से हंसी का पात्र बन गई है। नोटबंदी के बाद 2000 का नोट रिलीज होने पर उसमें नैनो चिप ढूंढने वाली इंकरानी श्वेता सिंह अब 2000 के नोट का जिक्र आते ही भड़क रही हैं। श्वेता सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्वेता सिंह से एक व्यक्ति 2000 के नोट पर सवाल पूछ रहा है। ये शख्स पूछता है कि आपने तो कहा था कि 2000 के नोट में चिप है। ये सवाल सुनते ही श्वेता सकपका गई और कहने लगी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। श्वेता यही नहीं रुकी और उन्होंने तो सवाल पूछने वाले को केस करने की धमकी भी दे डाली। आप उस चेहरे में हम पत्रकारिता भाई साहब, भाई साहब नहीं भाई, एक मिनट जैसा कुछ बात नहीं कर रहा भाई साहब, एक सेकंड, ये आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप ये रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं? नहीं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आप लोग इसी के लिए आए हैं। 140 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला था, आप इस तरह के 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं, 6 फीट अंदर में रहेगा वो, 45 मिनट का देखा नहीं, 45 सेकंड का देखा। नहीं भाई, पत्रकारिता के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडियल मानेंगे। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? तो 45 सेकंड वाला ही देखा है। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं, उसमें चिप वाली जो बात, मैंने पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है, उस पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला है, आप झुटला थोड़ा सकते हैं, सवाल से क्या बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम कर रही है, पत्रकार बन रहे क्या अभी, ये बनने वाले हैं? बने हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मेरी शुभकामनाएं। हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को, आप लोग सब अपने यूट्यूब पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा कि जस्टिफिकेशन हो जाएगा। मैं इसलिए मैं एक सेकंड भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। हां वही मैं आपसे बस, मैंने बोल दिया आपने 45 सेकंड का देखा, 45 मिनट का नहीं। तो हमको लगता है अगर लोगों के दिल में भरा मैं इसको बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही है। ये बात हमने नहीं सुना, मैंने कहा कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं, ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है, ये बात आप बोल दिए। चलिए, श्वेता बार बार यही कहती रही कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जबकि उनका वीडियो उनके चैनल पर ही चल चुका है और उसे लोग देख चुके हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स खुद को पत्रकारिता का छात्र बताता है और पूछता है कि अगर आप ऐसे ही ये बात झुठला देंगी तो हम आपको पत्रकारिता में अपना आइडल कैसे मानेंगे? नहीं भाई, आप के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडियल मानेंगे। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? तो 45 सेकंड वाला ही देखा है। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं, उसमें चिप वाली जो बात, मैंने पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है, उस पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला है, आप झुठला थोड़ा सकते हैं, सवाल से क्या बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम कर रही है, पत्रकार बन रहे क्या अभी, ये बनने वाले हैं? बने हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मेरी शुभकामनाएं। सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग श्वेता सिंह से पूछ रहे हैं कि क्या यही वो मेरिट है जिसके दम पर पत्रकारिता की जाती है। इन सवालों ने श्वेता सिंह को परेशानी में जरूर डाल दिया है, क्योंकि अब श्वेता सिंह का नाम आते ही सबसे पहले 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली उनकी बात याद आ जाती है। जर्नलिज्म में उनकी कोई कहानी याद आए ना आए, उनकी कोई कवरेज याद आए ना आए, लेकिन 2000 के नोट की कहानी सबके जहन में आ जाती है। श्वेता सिंह अब भले ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ने का दावा करें, लेकिन उनकी छवि पर लग चुकी ये मोहर अब कभी नहीं हटने वाली।
अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मनु मीडिया के पत्रकार बुरी तरह बदनाम हो चुके हैं। आलम यह है कि श्वेता सिंह जहां जहां जा रही हैं, लोग या तो उन्हें गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे सुनाते हैं या फिर 2000 के नोट में चिफ वाली बात पूछ लेते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की रिपोर्टिंग के दौरान भी श्वेता सिंह को जिल्लत उठानी पड़ी थी। श्वेता सिंह और 2000 के नोट में चिप वाली कहानी अब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि उसे जनता के जहन से मिटाना मुश्किल है। पत्रकारिता में श्वेता सिंह और 2000 के नोट में चिप वाली कहानी को पत्रकारिता के छात्रों को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि पत्रकारिता के छात्र उससे कुछ सबक ले सकें कि आखिर जर्नलिज्म कैसे किया जा सकता है और फेक न्यूज से कैसे बचना है। क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ऐसे मीडिया वालों को देखते ही दौड़ाना शुरू कर देगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।